स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम ग्रामर में एक टॉपिक आपके सामने पेश कर रहे हैं और टॉपिक जैसा कि आपके सामने मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर आप स्लाइड पे लिखा हुआ देख सकते हैं, नरेशन। टुडे विल स्टडी अबाउट नरेशन। जरा इस शब्द को देख लेते हैं, नरेशन शब्द का मतलब क्या होता है, व्हाट डज नरेशन मीन। नरेशन का मतलब होता है किसी चीज का वर्णन करना, किसी चीज का वृतांत सुनाना, किसी चीज के बारे में आप सिलसिलेवार ब्यौरा पेश करें तो कहा जा सकता है कि साहब नरेशन किया जा रहा है। किसी चीज को नरेट करते समय नरेट करने के दो तरीके हो सकते हैं। नरेट करने का एक तरीका यह हो सकता है कि आप चीजों को नरेट करते समय एग्जैक्टली हूबहू उसी प्रकार से नरेट करें जैसे कि वह घटित हुई थी, और साथ साथ उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें जिन शब्दों का प्रयोग किया गया था एक्चुअल में स्पीकर के द्वारा। तो ऐसी नरेशन जिसमें किसी प्रकार से अपना वर्जन पेश नहीं किया गया है कहलाती है डायरेक्ट नरेशन, और ऐसी नरेशन जहां पर आप चीजों को इस प्रकार से पेश कर रहे हैं जहां पर उनके ओरिजिनल घटनाक्रम को अपने शब्दों में पेश कर रहे हैं तो ऐसी नरेशन कहलाती है इनडायरेक्ट नरेशन। अगर आपको भाषा में प्रवीणता या फिर प्रोफिशिएंसी हासिल करनी है तो इस नरेशन वाले पार्ट को आपको मजबूत करना पड़ेगा। आप में अगर ये कैपेबिलिटी है कि किसी स्पीकर की बात को सुन करके अपने शब्दों में रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी अगर आपने डेवलप कर ली है तो आप भाषा के अच्छे जानकार कहलाएंगे। और इसी बात को टेस्ट करने के लिए नरेशन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में कन्वर्जन के रूप में आपके एग्जामिनेशन में पेश किया जाता है। इंग्लिश का कोई भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के सेक्शन को उठा लीजिए तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंस मौजूद होंगे, चाहे उन्हें वे डायरेक्ट कन्वर्जन के रूप में आपके सामने पेश किया जाए या इनकरेक्ट सेंटेंस के फॉर्म में कई बार डाल दिया जाता है और एरर फाइंडिंग करनी पड़ती है और वहां पर एरर नरेशन वाले पार्ट में होती है। तो इसको अगर हम एक सिलसिलेवार तरीके से समझ लें किस प्रकार से इसका मतलब होता है, क्या क्या किया जाना होता है, तो फिर हम जल्दी सीख सकते हैं। आइए आप हमारे साथ, सबसे पहले तो हम जैसा कि सभी प्रेजेंटेशंस में करते हैं कि पहली स्लाइड में आपके सामने पेश करते हैं कि इस पूरे टॉपिक का आउटलाइन या स्केच क्या है। स्टार्ट करते हैं इसी से, देखिए विल स्टार्ट विद दिस। और ये देखिए आपके सामने हमने पेश किया। देखिए सबसे पहले मैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करता हूं कि इस टॉपिक को इस लेक्चर के माध्यम से स्टडी करने के बाद आप क्या क्या चीजें सीख जाएंगे और क्या क्या चीजें हैं जिनको आपको सीखना है। एक तरफ से मैं चाहता हूं कि आप इनके ऊपर ध्यान दें, इनको थोड़ा सा गौर से देखें स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मीनिंग एंड फंक्शन की, यानी कि यह जो शब्द है नरेशन, इस शब्द का अर्थ क्या है और उससे क्या क्या काम, फंक्शन या उसके कार्य क्या है। मतलब समझाने के सिलसिले को हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में बता चुके हैं कि नरेशन का मतलब होता है किसी चीज का वर्णन करना या वृतांत सुनाना या किसी चीज को डिस्क्राइब करना। आगे कितने प्रकार से नरेशन हो सकते हैं, हमने दो तरह से कैटेगराइज किए थे, वो भी हम आपको बाद में बताएंगे। फिर नरेशन को समझते समय कुछ एक टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको अगर आप समझ लें तो बाद में रूल्स को समझने में आसानी हो जाती, क्योंकि बार बार हम उन्हीं टेक्निकल टर्म्स का प्रयोग करेंगे। आपसे एक पर्टिकुलर टर्म हम बार बार कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, कई बार हम कहेंगे रिपोर्टेड वर्ब, कई बार हम कहेंगे एजेंट, कई बार हम कहेंगे एक्शन, कई बार हम कहेंगे स्पीकर। तो ये टेक्निकल टर्म्स आपको एक बार बैठ करके अगर आपको लेक्चर शुरू करने से पहले अगर हम समझा दें तो बेसिक टर्म्स को बाद में रूल्स के रूप में जब इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर आपको समझने में दिक्कत पेश नहीं आएगी। आगे देखते हैं फिर कुछ एक बुनियादी नियम कि साहब नरेशन चेंज करते समय किन किन सावधानियों का ख्याल रखा जाता है, और फिर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स को आपके सामने पेश किया जाएगा ताकि एग्जाम ओरिएंटेड जब स्टडी आप कर रहे हो तो आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स, और फिर प्रैक्टिस तो सबसे जरूरी चीज है, एरर्स को समझना और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस आपको खूब लगानी चाहिए। जो हम इस वीडियो के फॉर्म में आपके सामने पेश कर रहे हैं वो तो है ही, साथ में बुक्स में प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं, इसके अलावा टेस्ट पेपर्स में प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं, और साथ साथ जो यहां से ऑनलाइन स्पीड टेस्ट वगैरह आप देते हैं तो उसमें भी आपको बहुत सारी एक्चुअल प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस होंगी। तो जितना, और फिर आपके क्लास में आपके रेस्पेक्टिव टीचर्स हैं जिनसे आप मदद ले सकते हैं, वो खूब मदद करेंगे आपकी। तो इसी बात से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए सबसे पहले मीनिंग समझने के लिए एक डेफिनेशन समझना पड़ेगा। डेफिनेशन आपके एग्जामिनेशन में आती नहीं है, लेकिन डेफिनेशन से आप उसके स्वरूप को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वंस यू हैव अ फेयर आइडिया ऑफ व्हाट एग्जैक्टली द वर्ड मींस, देन यू कैन एक्चुअली मूव इन अ सर्टेन डायरेक्शन टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट नरेशन मींस।
देखिए मेरे साथ आप इस शब्द को पढ़िए, इस शब्द को कह रहा हूं सॉरी, इस डेफिनेशन को पढ़िए. द वर्ड नरेशन मीन्स टू से और टू एसर्ट. इन दो शब्दों के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि नरेशन शब्द का मतलब होता है से यानी कहना, या फिर एसर्ट करना या अपनी बात को सामने रखना, वृतांत सुनाना, वर्णन करना, ये सब नरेशन के सिनोनिम्स हैं. आगे देखते हैं. बेस्ड ऑन दिस एनी स्टेटमेंट मेड बाय अ स्पीकर मे बी प्रेजेंटेड इन टू फॉर्म्स. और इसी परिभाषा के आधार पर वक्ता द्वारा कोई भी बयान या फिर कथन अगर आपके सामने पेश किया जाता है तो उसको दो तरीके से आप पेश कर सकते हैं. पहला जिसे कि हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहेंगे और दूसरा जिसे कि हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे. देखिए दोनों आपके सामने लिख भी दिए गए हैं. डायरेक्ट स्पीच या फिर डायरेक्ट नरेशन इसे क्या कहते हैं. द स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड यूजिंग एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स. देखिए वहां पर वो एक एस जो है वो एक प्रिंटिंग एरर है, इसको मैं एलिमिनेट कर देता हूं. इसको पढ़ने की इसके बिना आप पढ़ें. देखिए क्या लिखा है. द स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड यूजिंग एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स. ठीक है, एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स का मतलब जैसे कि उस व्यक्ति ने जिन जो वर्ड्स को बोलने वाला है जिसे हम स्पीकर बार बार कहेंगे, स्पीकर्स वर्ड्स यानी स्पीकर के द्वारा, स्पीकर्स वर्ड्स अपोस्ट्रोफ एस में लिख देता हूं यहां पे, स्पीकर्स वर्ड्स जिस व्यक्ति ने ये बात कही है उन्हीं के शब्दों में अगर बात को कही जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि ये स्पीच डायरेक्ट स्पीच में हुआ. और वहीं पे अगर हम स्टेटमेंट को, इफ द स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड यूजिंग आर ओन वर्ड्स स्वयं के वर्ड्स, अपने शब्दों का जब कभी भी हम इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है थोड़ा सा इसमें किसी प्रकार का ऑल्टरेशन या चेंजिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप किसी की बात को कह रहे हैं और अपने शब्दों में कह रहे हैं तो बात थोड़ी सी परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि कहने वाला अब दूसरा व्यक्ति हो गया, कहने वाले आप हो गए, सुनाने वाले इनफैक्ट बात को प्रेजेंट करने वाले आप हो गए, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग स्पीच को चेंज करना पड़ेगा. तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना अथवा इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना, ये दोनों ही कैपेबिलिटीज जिनमें डेवलप्ड होती हैं वे लैंग्वेज के अच्छे जानकार होते हैं. और इसी बात को टेस्ट करने के लिए आपके क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है, चेंज इंटू डायरेक्ट या फिर चेंज फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट या फिर चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या फिर एरर्स के रूप में डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एरर आपके सामने पेश कर दी जाती है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि स्पॉट द एरर इन एनी पार्ट ऑफ द सेंटेंस. इस प्रकार से सवाल आपके सामने आएंगे. तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं. और बहुत सारी चीजें हैं जो इस प्रेजेंटेशन में है. देखिए एक एग्जांपल भी आपके सामने पेश किया गया है ताकि ये जो बात डेफिनेशन के रूप में कही गई है वो बात आपको ठीक ठीक समझ में आ जाए. ये जो पहला सेंटेंस है आप देख सकते हैं यहां पर येलो में लिखा हुआ है डायरेक्ट. ये इस बात को इंडिकेट करता है कि बात डायरेक्ट स्पीच में कही गई है, यानी एग्जैक्टली उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिसको स्पीकर ने आपके सामने पेश किया था. और दूसरी बात जो यहां पे लिखी हुई है इनडायरेक्ट स्पीच में पेश की गई है, एग्जैक्टली उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया है जो डायरेक्ट जो यहां पर सॉरी एग्जैक्टली उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया, यहां पर उन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो आप अपने शब्द पेश कर रहे हैं. जैसे देख लीजिए जो बात यहां पर लिखी हुई, राजन सेड टू मी, राजन ने मुझसे कहा, यह व्यक्ति है राजन, यहां पर स्पीकर है और उसने जो कहा उसके अपने शब्दों में पहले देख लेते हैं. उसने क्या कहा, आई एम गोइंग टू टेक एडमिशन इन द JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली में. तो उसके बारे में बात राजन कह रहा है कि मैं यहां पर एडमिशन लेने जा रहा हूं. अब ये जो आई एम गोइंग टू टेक एडमिशन ये जो बात कही गई है यहां पर राजन के एग्जैक्ट वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है. नाउ व्हेन वी कम ऑन टू द इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट ऑफ इट, how does the speech change, because now the speaker is not Rajan, now the speaker is me who is presenting this sentence in front of you jo aapke samne isko pesh kar raha hai. dekhiye Rajan told me, dekhiye pehla parivartan ho gaya, said to ki jagah kya ho gaya, told me that, ab ye I am going nahi hai, he was going to take admission in the JNU, kyunki baat main keh raha hu yahan par kiski baat ko, Rajan ki baat ko. राजन ने कहा कि मैं एडमिशन नहीं, वो एडमिशन लेने वाला है, क्योंकि बात वो नहीं कह रहा है, बात मैं कह रहा हूं, लेकिन एडमिशन मैं नहीं ले रहा हूं, एडमिशन कौन ले रहा है, राजन ही ले रहा है. तो ये बात डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज की गई है. और आप इस सेंटेंस को अगर आपने स्कूल लेवल पर भी पढ़ा होगा तो आपने 8th, 9th, 10th, 11th, 12th कोई भी बोर्ड हो कहीं ना कहीं आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का वास्ता पढ़ा होगा आपसे, और कुछ एक सेंटेंस आपने सुने भी होंगे
कुछ एक रूल्स आपको जो है स्कूल लेवल टाइम से अगर आपने ठीक से समझा है तो याद आ रहे होंगे, और नहीं भी समझा है तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये सारे रूल्स आपने रूल्स कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर रहे होंगे, वो अभी इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक बार से रिकॉल हो जाएंगे, आपको आप उन्हें रिकैप्चर कर पाएंगे, रिकैपिटुलेट कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब इस पार्ट को हम आगे देखते हैं। बेसिक टर्म्स, ये शब्द हमने यहां पे लिखा हुआ है, ये शायद छोटा दिख रहा हो तो अगर मैं इसे अंडरलाइन करके बड़ा कर पाऊं, बेसिक टर्म्स यहां पे लिखा हुआ है कि कुछ एक टर्म्स हैं जो आपको इस नरेशन से संबंधित अगर पता लग जाए बेसिक टर्म्स के रूप में तो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि फिर तब नियमों को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखते हैं कैसे बेसिक टर्म्स का प्रयोग किया गया है, आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यहां पर कुछ एक टर्म्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे सबसे पहले रिपोर्टर, रिपोर्टर उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो व्यक्ति बोल रहा है, उसे हम रिपोर्टर भी कई बार कहेंगे, कई बार हम उसे स्पीकर भी कहेंगे, कई बार हम उसे एक्शन परफॉर्मर भी कह सकते हैं। जैसे आप हिंदी में कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो कार्य को संपादित कर रहा है उसे हम कर्ता कहते हैं, वैसे यहां पर रिपोर्टर वो है जो बोल रहा है। उसके बाद दूसरी बात, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब वो वर्ब, वो क्रिया या वो वर्ब जिसको रिपोर्टर ने इस्तेमाल किया है, यानी रिपोर्टर द्वारा जो एक्सप्रेस की जा रही है क्रिया या वो जो इस्तेमाल कर रहा है, यूज फॉर द रिपोर्टर। उसके बाद में रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब यह है कि उस व्यक्ति ने क्या बात कही है, रिपोर्टर ने जो बात कही है उस बात को इन्वर्टेड कॉमा में आपके सामने पेश किया जाता है ताकि वो बात अलग से हो जाए कि साहब उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति ने बात कही। तो तीन चीजें आपको समझ में आई, रिपोर्टर इज द वन हु स्पीक्स, रिपोर्टिंग वर्ब इज द वर्ब यूज बाय द रिपोर्टर, एंड द रिपोर्टेड स्पीच इज द स्टेटमेंट मेड बाय द रिपोर्टर दैट इज सपोज टू बी प्लेस्ड इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास। वो इन्वर्टेड कॉमा में आपके सामने होगा, वो अलग से होगा क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो रिपोर्टर ने यूज किया। और देखते हैं वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा में जो स्टेटमेंट लिखा गया है वो भी उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्ब मौजूद होगा तो उसे हम कहेंगे द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो आप देख सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड सेंटेंस में एक रिपोर्टर होगा, रिपोर्टर के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला वर्ब होगा जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच होगा जो बात कही गई है, और रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होगा उसे हम वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। आगे देखते हैं इन्वर्टेड कॉमा जो ये बात यहां पे कही गई है, इन्वर्टेड कॉमा पे मैं थोड़ा पॉइंट आउट करना चाहता हूं। एग्जांपल के रूप में आपने पिछले भी देखा होगा कि डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो बात कही गई होती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। ठीक, लेट्स मूव फॉरवर्ड फर्दर इन बेसिक टर्म्स में। अब मैं यहां आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं, सबसे पहले देखिए इस सेंटेंस में हम कंपेयर करेंगे तो आपको सारे बेसिक टर्म्स समझ में आ जाएंगे। पहला शब्द देखिए, सेंटेंस को पढ़िए जो आपके सामने सैंपल सेंटेंस है, राजन सेड टू मी, राजन ने मुझसे कहा। सबसे पहली चीज, ये जो व्यक्ति राजन है ये व्यक्ति रिपोर्टर है, यहां पर रिपोर्टर कौन है, राजन। देखिए हमने पॉइंट आउट कर दिया, रिपोर्टर इज द वन हु स्पीक्स, बोल कौन रहा है, राजन। और अब हम बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब की, यानी दूसरी चीज द वर्ब यूज बाय द स्पीकर, राजन ने जो वर्ब इस्तेमाल किया गया है राजन के लिए वो है सेड। तो आप देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब यहां पे कौन है, सेड। आगे देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच, वो हमने पहले भी कहा है कि जो बात इन्वर्टेड कॉमा में लिखी रहती है, जैसे यहां पर देखिए आई एम गोइंग टू टेक एडमिशन इन द JNU, जो कि यहां पे रिपोर्टेड स्पीच में आई एम गोइंग टू डैश 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 करके हमने छोड़ दिया, ये रिपोर्टेड स्पीच आपको दिख रहा है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब इस्तेमाल किया गया है वो है गोइंग टू टेक एडमिशन, मैं एडमिशन लेने जा रहा हूं। तो ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट जो है रिपोर्टेड वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो इतनी बातें जब आपने समझ ली तो अब इन्हीं के आधार पर हम बार बार नियम आपके सामने पेश करेंगे, इन टेक्निकल टर्म्स का बहुत लिबरली इस्तेमाल करेंगे, बहुत खुले तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और अपेक्षा करेंगे कि फिर आपको आगे लेक्चर में इनको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी लेवल पर अगर आपको समझने में दिक्कत आती है तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि इस स्लाइड को आप पॉज करके आप नोट डाउन कर लें, उसके बाद आगे समझने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए रूल्स फॉर चेंजिंग द स्पीच, क्या क्या नियम है जिनका इस्तेमाल करके आप स्पीच को चेंज कर सकते हैं, व्हाट आर द रूल्स दैट आर नेसेसरी फॉर चेंजिंग द स्पीच। सबसे पहले नियम को देखते हैं, रिमूव द इन्वर्टेड कॉमा इन द इनडायरेक्ट स्पीच।
आप इन्वर्टेड कॉमा को इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब कभी भी कन्वर्ट कर रहे हो तो वहां पर आपको इन्वर्टेड कॉमा हटा देना चाहिए, क्योंकि अब आपको उस बात को अंडरलाइन करके कहने की आवश्यकता नहीं कि जिन शब्दों का इस्तेमाल स्पीकर ने किया था अब वो शब्द आपके लिए आवश्यक नहीं है, अब आप अपने शब्दों में बात कहेंगे। देयरफॉर द फर्स्ट स्टेप इज रिमूव द इन्वर्टेड कॉमा। देख सकते हैं आप, देखिए डायरेक्ट स्पीच में बात कही गई है, मोहन सेज, मोहन ने कहा आई हैव अ ब्लू ब्लेजर एट होम, मोहन ने कहा कि मेरे पास एक ब्लू ब्लेजर है, और ये बात उसने डायरेक्ट स्पीच में कही है। तो जो डायरेक्ट स्पीच में बात कही जाती है उसमें एक मोहन यहां पर रिपोर्टर है, सेज यहां पर रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब है, आप देख सकते हैं आई हैव अ ब्लू ब्लेजर ये रिपोर्टेड स्पीच है, और इसके अंदर जो वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा हैव, ये रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहा है, वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच है जो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, आई हैव अ पोजिशन को दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक। आप देख सकते हैं अब इसको जब इन्वर्ट, अब जब इसको हमने इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी हमने जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया तो सबसे पहले चीज देखिए इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया गया है। अब ये बात जब कही गई है दैट ही हैज अ ब्लू ब्लेजर एट होम, इन्वर्टेड कॉमा को हट जाना चाहिए, ये पहला काम है। अब ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट स्पीच में सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा मिटा दें और वो हट गया इनडायरेक्ट स्पीच में बन जाएगा, ऐसा नहीं। इन्वर्टेड कॉमा जब हटेगा तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में भी चेंजिंग होगी, एक प्रकार का परिवर्तन करना पड़ेगा, और वो चेंज किस प्रकार से होगा वो हम आगे आपको दिखाते रहेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड, देखिए क्या करते हैं। दूसरा जो नियम, बी केयरफुल व्हाइल चेंजिंग द टेंस। अगर आपको टेंस चेंज करना हो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब कभी भी बात कही जाएगी तो आपको डायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल किए जाने वाले टेंस को परिवर्तित करके इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस का परिवर्तन करना पड़ेगा, और टेंस का चेंज करते समय आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी इसको देख लेते हैं। डोंट चेंज टेंस इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। अगर आपके सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट टेंस में है अथवा फ्यूचर टेंस में है तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने की के टेंस को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में मोहन सेज था, ये प्रेजेंट टेंस में है, तो अगले इनडायरेक्ट स्पीच में भी जाकर ये मोहन सेज ही रहा, इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, और ये फ्यूचर में भी होता तो भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बाकी सेंटेंसेस में सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर के अलावा कोई और टेंस होता तो फिर परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती, और कैसे परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती वो यहां पर देखिए। जैसे ही सेज ही ईट्स एन एप्पल प्रेजेंट टेंस में है, वही बात जब इनडायरेक्ट स्पीच में कही गई, ये पहला वाला सेंटेंस डायरेक्ट में है, दूसरा सेंटेंस इनडायरेक्ट में है, ये मैं पॉइंट आउट कर देता हूं, ये डायरेक्ट है, दूसरा सेंटेंस क्या है इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो चेंज किया कोई परिवर्तन नहीं। ये देखिए अमन विल से इट ऑलवेज हैपेंस विद मी, अमन ने ये बात कही, ये फ्यूचर टेंस में है, ये जब चेंज होती है, ये जब इसे चेंज करना होता है तो आप देख रहे हैं कि किसी प्रकार से वर्ब को चेंज नहीं किया जा रहा, चाहे डायरेक्ट में हो चाहे इनडायरेक्ट में हो, ये परिवर्तन नहीं किया जा रहा, ठीक। अब अगर ये इन दोनों टेंस के अलावा किसी और फॉर्म में होंगे तब क्या परिवर्तन होंगे इनको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, नियम लिखा हुआ है, If the reported verb is in the past tense, the tense of the verb contained in the reported speech is changed as follows. ठीक है, is changed होना चाहिए था, is changed. यहां पर मैं एक वर्ड जोड़ना चाहता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए, is changed as follows. उसे निम्न प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। अब कैसे परिवर्तित किया जाता है हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए वन लिख के आया है, कैसे कैसे हम चेंज कर रहे हैं इसको, हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखा रहे हैं। अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो कैसे चेंज किया जाएगा, तो आप देख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट में जाकर के चेंज हो जाता है किसमें, पास्ट टेंस में हो जाएगा। यानी सेंटेंस अगर आपका पास्ट टेंस में शुरुआत है और रिपोर्टेड रिपोर्ट वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है तो वो सिंपल पास में जाके चेंज होगा, ठीक। कैसे चेंज होगा इसको एग्जांपल के माध्यम से देखिए, ही सेड, देखिए अगर यहां पे ही सेज होता तो फिर कोई परिवर्तन नहीं होता, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ही सेड है तो आगे जाके परिवर्तन होगा। ही सेड आई नेवर गो टू द जिम, इसी बात को जब हम इनडायरेक्ट में कहेंगे तो ही सेड आई की जगह पहली चीज तो क्या हो गया, ही हो गया।
और नेवर गो की जगह नेवर वेंट। देखिए ये सिंपल प्रेजेंट का चेंज हो जा रहा है किसमें, सिंपल पास्ट में। ये पहली चीज है जो आपको यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि द सिंपल प्रेजेंट नेवर गो विल चेंज इनटू नेवर वेंट। आप देख सकते हैं कि जो चीज सिंपल प्रेजेंट टेंस में मौजूद थी वो जाकर के सिंपल पास्ट टेंस में पहुंच गई। द सिंपल प्रेजेंट विल चेंज इनटू द सिंपल पास्ट। ही सेड आई नेवर गो टू द जिम, वो जाके परिवर्तित हो गया। अब आगे देखते हैं दूसरी चीज कैसे चेंज होगी। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस अगर कोई होगा तो जाकर के वो पास्ट इम्परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। इसको एग्जांपल के माध्यम से हम देख लेते हैं। मोहन सेड आई एम रेडी टू टेक ऑन द चैलेंज। अब इसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि क्योंकि ये बात जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि यहां पर एग्जैक्टली पता नहीं लग पा रहा है, रूटीन कह रहा है या अभी की बात कह रहा है या भविष्य की बात कह रहा है, उसमें क्लियर क्लैरिटी नहीं है। तो ये इसको जब चेंज करेंगे तो बस सिंपल पास्ट में हो जाएगा। आप देख सकते हैं पास्ट इम्परफेक्ट फॉर्म में ही सेड आई एम रेडी टू टेक ऑन द चैलेंज। इस बात को जब इनडायरेक्ट में कहा जाएगा मोहन सेड दैट, एक तो ये कॉमा लगा करके हटा करके दैट लगता है, वो नियम के रूप में हम आगे भी बता देंगे, दैट ही वॉज रेडी टू टेक ऑन द चैलेंज। मोहन सेड आई एम रेडी की जगह क्या हो जाएगा, ही वॉज रेडी टू टेक ऑन द चैलेंज। ये दूसरा नियम है जो इसमें चेंज करते समय ध्यान में रखना चाहिए। आगे देखते हैं If the reported verb is in the past tense, अब देखिए नियम क्या है। If the reported verb is in the past tense, ये वही नियम है जिसको हमने इस बार फिर कॉपी कर दिया है। दो टेंस के बाद अब तीसरे टेंस को हम लेंगे। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देखिए कि अगर प्रेजेंट इम्परफेक्ट में है, अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट इम्परफेक्ट में है तो कैसे चेंज होगा, वो जाकर के चेंजिंग जो रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंज देखने को मिलेगा वो क्या है, पास्ट परफेक्ट जाकर के चेंज हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये आप देख सकते हैं ये जो इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट जो है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, और उस रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब मौजूद होता है उसे हम लोग कहते हैं वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। और नियम यह है कि यदि वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो जाकर के बनेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही सेड आई हैव ईटन एन एप्पल, इसका जो जो परिवर्तित स्वरूप होगा वो ये होगा ही सेड दैट ही हैड ईटन एन एप्पल। आई हैव ईटन, ये जो शब्द है हैव ईटन इसको चेंज करके हमको करना पड़ेगा हैड ईटन। हैव ईटन का परिवर्तन हैड ईटन में हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ही सेड आई हैव ईटन एन एप्पल के स्थान पर ही हैड ईटन एन एप्पल, ये परिवर्तन हो गया। ठीक, और देखते हैं और क्या क्या चेंजेस है जिन्हें हमें देखना है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मौजूद है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे चेंज होगा, आप देख सकते हैं वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बन जाएगा। एग्जांपल देखिए जॉन सेड, ये सारे सेंटेंस देखिए, इन सारे सेंटेंस में अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है तो बाद में वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कैसे चेंज होता है, अगर वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। मान लीजिए यहां पर देखिए हैव बीन गोइंग, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच यहां पर कौन है, हैव बीन गोइंग, तो ये परिवर्तित होकर के क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं ही हैड बीन गोइंग, हैड बीन गोइंग हो जाएगा। एग्जांपल देख सकते हैं जॉन सेड आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ मंथ, या ये आप देख सकते हैं डायरेक्ट स्पीच में है। ठीक है, इसे यहां पर डिफॉल्ट डायरेक्ट होना चाहिए था, शायद ए लिख दिया है, एक्टिव पैसिव का शायद वो छप गया है गलत। और इसी को जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जॉन सेड दैट ही हैड बीन गोइंग, तो आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज करके कर दिया गया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और देख लेते हैं किस किस प्रकार से चेंजेस किए जा रहे हैं, वील सी और चेंजेस अगर किए जा सकते हैं। इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन द पास्ट टेंस द टेंस ऑफ द वर्ब कंटेंट, ये वही नियम है जो बार बार आ रहा है, इसको हम देख लेते हैं। अब टेंस की चेंजिंग को और देख लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट अगर है तो वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, यानी यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच यदि पास्ट इंडेफिनिट में है तो वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, जैसे ही आप टेंस चेंज करेंगे। देखिए सॉरी टेंस नहीं, स्पीच चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ही सेड आई एट एन एप्पल, ये आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा में जो भी चीज मौजूद है, इन्वर्टेड कॉमा में जो भी चीज मौजूद होती है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच,
और रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होता है वो कहलाता है रिपोर्टेड वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। यहां पर एट वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है और वो पास्ट इंडेफिनिट में मौजूद है, तो फिर उसे चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। तो एट का क्या हो जाएगा, हैड ईटन, उसने कहा कि मैंने एप्पल खाया, तो हम ये कह सकते हैं कि वो खा, ही हैड ईटन एन एप्पल, इनडायरेक्ट स्पीच में ये बात हो जाएगी। ठीक, चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, पास्ट इंपरफेक्ट अगर होगा, अगर आपका वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंपरफेक्ट है तो वो जाकर के चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए कैसे चेंज होगा, जॉन सेड दे वर टेकिंग डांस क्लासेस, वे डांस क्लासेस ले रहे थे, दे वर टेकिंग डांस क्लासेस। अब ये बात चेंज होकर के कैसे आएगी, देखिए जॉन सेड दैट ही हैड बीन, एक छोटी सी गलती है जो यहां पर हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं। देखिए यहां पर ये जो लोग हैं जो डांस क्लास ले रहे हैं वो दे हैं, अब वो चेंज करके यहां पर भी दे ही होना चाहिए था, ये गलती से ही लिख गया है, इसको थोड़ा सा हम यहीं पे एडिट कर लेते हैं कि जॉन सेड दैट ही हैड बीन, नहीं ही के स्थान पे क्या आना है, दे, ये गलतियां हो जाती हैं, इसको देखिए एलिमिनेट कर देते हैं, ये एक प्रिंटिंग एरर है। दे हैड बीन टेकिंग डांस क्लासेस, और देखिए पास्ट इंपरफेक्ट में वर टेकिंग को जाकर के हैड बीन टेकिंग करना पड़ गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, और देखते हैं और किस प्रकार से परिवर्तन किए जा रहे हैं, हम आगे अपनी स्लाइड को बढ़ाते जा रहे हैं। नंबर सात, अगर सेंटेंस में कैन मौजूद है तो कैन का परिवर्तन कैसे होगा, कुड में, आई कैन डू इट अगर कोई कहेगा तो आपका उसको परिवर्तन जो होगा वो ही कुड डू इट होगा, कैन का कुड में परिवर्तन, वो दिखाएंगे अभी हम कई सारे सेंटेंस में। उसके बाद में अगला परिवर्तन देखिए, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके सामने एक सीधी बात है कि सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट है तो आगे जाकर के नो चेंज, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, वो भी एग्जांपल में आप देख लेंगे। उसके बाद देखिए, आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आगे जाकर के सेंटेंस में किसी प्रकार से नो चेंज, आपको नो चेंज मिलेगा, कोई परिवर्तन नहीं मिल रहा है। फिर आप देख सकते हैं कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आप पेश कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात कह रहे हैं कि ही सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अब ये एक यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक सत्य है जो कभी परिवर्तित नहीं होता, तो आप ये नहीं कहेंगे ही सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व, नहीं, रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो भी नो चेंज के रूप में आएगा। कोई भी बात, जैसे अगर कोई कोई बात पास्ट परफेक्ट में बात कहेंगे तो उसको भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं, तो ये सारी चीजें हैं जिन्हें चेंज में हम नो चेंज के रूप में आपके सामने पेश करेंगे। आगे देखिए, एक एग्जांपल देखा, आवर टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अब इसका जो चेंज करेंगे जवाब इनडायरेक्ट में, तो भले ही टीचर ने पहले कहा था लेकिन वो बात हमेशा यथावत देखिए प्रेजेंट टेंस में मौजूद रहेगी, उसको इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते समय आपको चेंज नहीं करना है क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक, आगे देखते रहते हैं क्या क्या चीजें मिल रही हैं हमें। एक रूल, द प्रोनाउंस प्रेजेंटेड इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑल्सो गेट चेंज अकॉर्डिंगली, रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है तो उसको भी मौके की नजाकत के हिसाब से हमको परिवर्तित करना पड़ता है, चेंज कर देना पड़ता है। कैसे चेंज करते हैं, देखिए अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसे चेंज करते हैं सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, ठीक है, एग्जांपल हम दिखाएंगे। सेकंड पर्सन है तो उसे चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो उसमें किसी प्रकार का चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए, He said to me, I am going to win and you are not. अब जब इसे indirect में change किया है तो ये क्या हो जाएगा? He told me that he was going to win and I was not. अब क्या क्या परिवर्तन हुआ देखिए, explanation दे रहे हैं। I is the first person, यहां पर I क्या है? First person है, and has changed according to the subject he. I जो है वो चेंज हुआ है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आप देख सकते हैं ये I के स्थान पर यहां पर देखिए क्या आ गया, he आ गया। उसके बाद में देखिए, while you is the second person which has been changed according to the object me, ठीक है, and you जो है वो चेंज हो रहा है, you second person है, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, इस I के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, और यहां पर ये I परिवर्तित कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोनाउन का जो परिवर्तन है वो आप देख रहे हैं कैसे कैसे ये हो रहा है। यहां पर ही ने बात कही है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे बात कही है कि आई एम गोइंग टू विन, अब कौन जीत रहा है, मैं नहीं जीत रहा हूं,
अब वो चेंज कौन जीत रहा है, सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग हो रहा है तो ही वॉज गोइंग टू विन, एंड यू आर नॉट, अब यू यहां पर कौन है, यू मेरे लिए था तो वो मेरे अकॉर्डिंग आई वॉज नॉट हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से जो परिवर्तन है थोड़े थोड़े आपको ध्यान में रखने वाली बात, ठीक। आगे देख लेते हैं, यूज ऑफ वी, वी का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। देखिए, इफ यू वी, वी यानी कि हम का इस्तेमाल हम डायरेक्ट स्पीच में करें तो इनडायरेक्ट स्पीच में अगर वी जाएगा तो कैसे उसमें परिवर्तन करेंगे, मेरे साथ आप पढ़िए। इफ वी इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन फॉर एक्सप्रेसिंग अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इट रिमेन्स अनचेंज, वो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। देखिए कैसे। दूसरी चीज, वाइल इफ वी इज यूज बाय नहीं, फॉर होना चाहिए यहां पर, मैं छोटा सा फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, किसी संगठन के लिए इस्तेमाल किया गया है। एग्जाम्पल देकर हम बताएंगे, ये आप घबराए ना, संगठन के लिए इस्तेमाल किया गया, वी इज यूज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ न्यूज पेपर और अ कंपनी और अ ग्रुप और अ टीम और अ क्लास और अ बॉडी, तब उस स्थिति में क्या होता है, तब वी में परिवर्तन हो जाता है, तब फिर वो परिवर्तित हो जाता है, उसको इट या इट्स में परिवर्तित करना पड़ता है। कैसे कौन करना पड़ता है उसको हम दिखा देते हैं एग्जांपल के माध्यम से, इन्हीं दोनों बातों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर और वाटर, अब ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि हम, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो ऐसा थोड़ा है कि उन्होंने कहा कि हम विदाउट वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर एंड वाटर, ये हमेशा सत्य है, वो आज भी दे कैन नॉट लिव विदाउट एयर एंड वाटर एंड इवन टुमारो दे विल नॉट बी एबल टू लिव विदाउट एयर एंड वाटर, दैट्स अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट, दैट्स अ स्टेटमेंट ऑफ अ यूनिवर्सल ट्रुथ और फैक्ट दैट विल नेवर चेंज, दैट इज एक्सियोमैटिक, इट डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ, किसी प्रकार के सबूत की आवश्यकता नहीं, और इस बात को जब कहा जाएगा तो इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन करने की जरूरत भी नहीं है। देख लेते हैं किस तरह से हम कहेंगे, दे सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर और वाटर, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वी यथावत विद्यमान है, बस अंतर सिर्फ ये हुआ है कि इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया गया है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में जब चेंज किया गया है तो इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया गया और कोई परिवर्तन नहीं किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, द चैनल सेड We are soon going to launch a stand-up comedy show in a new format. अब यहां पर ये जो we है ये व्यक्ति के लिए नहीं है, ये चैनल के लिए है। The channel said we are soon going to launch. We are going to launch. अब ये we का जब परिवर्तन करेंगे तो अब ये we नहीं होगा, अब ये we जाकर के it हो जाएगा। The channel said it was soon going to launch a stand-up comedy show in a new format. We are not. It was going to. Who is it? वी किसके लिए था? चैनल के लिए था और वो परिवर्तित होकर के क्या हो गया? इट। तो वी संबंधित दोनों बातें क्लियर हो गई हैं कि अगर आप यूनिवर्सल ट्रूथ को आप पेश कर रहे हैं तो आपको परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप वी किसी न्यूज़पेपर, चैनल, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या किसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर वी में परिवर्तन हो जाएगा, अकॉर्डिंगली वो इट जाकर के बन जाएगा, ठीक है। अब प्रोनाउंस के परिवर्तन को हमने देख लिया, टेंस के परिवर्तन को देख लिया, और कुछ एक बातें हैं जिन्हें हमें आगे देखना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चेंज करने के लिए हम कुछ एक रूल्स के बारे में जो देख रहे थे उसी क्रम में हम लोग अब अगले नियम यानी कि रूल फोर को देख लेते हैं। आप इसे देख ले, रूल फोर यहां स्क्रीन पे आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, और इसको आप पढ़ते हैं मेरे साथ, पढ़िए। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब डज नॉट कंटेन एन ऑब्जेक्ट एंड द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स यू, इस सेंटेंस को यहां तक पहले पढ़े कि साहब रिपोर्टिंग वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा है और रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो बात है वहां पर कहीं पर यू का इस्तेमाल किया गया है। अब ऐसी स्थिति में तब क्या होगा? देन द यू गेट्स कन्वर्टेड इनटू द थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द नीड। इसका मतलब यह हुआ कि जब कभी भी आप क्लियर नहीं हो कि इस यू का इस्तेमाल किसके द्वारा किया, किसके लिए किया गया, तो फिर आपको उस यू को परिवर्तित करना पड़ेगा मौके की नजाकत के अनुरूप, यानी कि देश, काल, समय, परिस्थिति के अनुसार जैसा होगा, ठीक। देखते हैं, मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं इस प्रोनाउन के कन्वर्जन को, आप मेरे साथ स्क्रीन पर देखेंगे। सबसे पहले एक सेंटेंस आपके सामने आएगा जिसको मैं दिखाता हूं, ये देखिए, ही सेड यू नीड टू वर्क हार्ड, ये डी फॉर डायरेक्ट यहां पर और आई फॉर इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ही सेड यू नीड टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। अब सवाल इस बात का है कि यह बात किससे कही गई है कि आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर यह होता ही सेड टू मोहन, मोहन से कहा गया है
तो ये बात क्लियर होती कि साहब मोहन एक पुरुष है, तो फिर आपको पुरुष के अनुरूप सिंगुलर का इस्तेमाल करना है। क्या पता ये एक से अधिक व्यक्तियों से कहा जा रहा है, क्या पता जिससे कहा जा रहा है कि वो एक महिला है, क्या पता स्टूडेंट से कहा जा रहा है। तो जब आपके सामने स्पीकर क्लियर नहीं है, सॉरी आपके सामने जिससे बोला जा रहा है वो क्लियर नहीं है, तो फिर आपको उसके अनुरूप काम करना चाहिए। जैसे He said you need to work hard का indirect परिवर्तन होगा he said that he needed to work hard। अब यहां पर ये जो you का परिवर्तन हुआ है, ये किसका परिवर्तन हुआ है, you का परिवर्तन हुआ है, वो you के स्थान पर क्या हो गया है, he, you has been changed to he। ठीक, क्यों, क्योंकि यू यहां पर क्या है, एक पर्सन के लिए इस्तेमाल किया गया, पर्सन यानी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया, उसके स्थान पर क्या इस्तेमाल किया जाए, ही नीडेड टू वर्क हार्ड। आगे देखते हैं, ही सेड दैट आई नीडेड टू वर्क हार्ड, हो सकता है ये यू मुझे मेरे लिए इस्तेमाल किया हो, यहां पर आई का इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे देखते हैं, ही सेड यू ऑल विल बी पिनलाइज, अब ये एक सेंटेंस है, यहां पर जब कुछ क्लियर नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच में साफ तौर पर कहा गया है यू ऑल विल बी, यानी आप सब लोगों के ऊपर जुर्माना लगेगा, तो यू ऑल का जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, दे ऑल होगा। ठीक है, और अब देखिए आगे, अगेन एक और सेंटेंस मैं आपको देख सकता हूं, ही सेड यू ऑल आर गोइंग टू बी अपॉइंटेड, अब ये यू ऑल हो सकता है हम लोगों के लिए कहा गया हो, तो यू ऑल का परिवर्तन वी ऑल भी हो सकता है, और यू ऑल का परिवर्तन दे ऑल भी हो सकता है, और इसी प्रकार यहां पर यू ही भी बन सकता है और यू आई भी बन सकता है। तो जरूरत के हिसाब से फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन बनाया जाता है, सिंगुलर या प्लूरल, जैसी हमारी आवश्यकता हो। तो ये नियम आई होप आपको क्लियर हो गया है, और इसी नियम के साथ फिर हम लोग अब आगे वाले नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर एक और नियम देखेंगे, जो पांचवा नियम होगा। ये नियम आपके सामने पेश किया गया है, व्हेन चेंजिंग द प्रेजेंट टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इनटू पास्ट टेंस द वर्ड्स चेंज एज फॉलोज, यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई वर्ब प्रेजेंट टेंस में है और उसको पास्ट टेंस में परिवर्तित करना है, क्योंकि ये तो चेंज करना होता है, तो शब्द किस प्रकार से चेंज होते हैं ये देखिए। नाउ, अब कोई बात नाउ के रूप में कही गई, जैसे कोई व्यक्ति कहे आई एम गोइंग नाउ, अब इस बात को कोई और व्यक्ति दोबारा इनडायरेक्ट स्पीच में कह रहा हो तब वो नाउ थोड़ा ना कहेगा, तब नाउ को परिवर्तित करना पड़ेगा और नए शब्द देन में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए रमेश ने कहा आई विल ईट एन एप्पल नाउ, अब इसी बात को आज मैं आपको सुना रहा हूं, रमेश सेड दैट ही वुड ईट एन एप्पल नाउ नहीं होगा, ही वुड ईट एन एप्पल देन, नाउ का परिवर्तन देन में हो जाएगा, क्योंकि बात अभी की नहीं है, नाउ का इस्तेमाल रमेश ने किया था तब जब वो खाने जा रहा था, आज जब मैं इस बात को बता रहा हूं तो फिर ये बात प्रेजेंट टेंस की नहीं है, पास्ट की है, तो ये चेंज नाउ किस में हो जाएगा, देन में हो जाएगा। दूसरा परिवर्तन दिस को अगर आपको चेंज करना हो तो दैट, जैसे कोई व्यक्ति रमेश कह रहा है आई लाइक दिस कार, अब मैं इस बात को मैं आपके सामने ये कहूंगा कि रमेश सेड दैट ही लाइक्ड दिस कार, नहीं दैट कार, क्योंकि कार वो आज हमारे सामने नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो बात जरूर है कि जब रमेश ये बात कह रहा था कार के बारे में तो कार उसके सामने थी, तो उसके एंगल से तो दिस कार सही है, लेकिन हमारे एंगल से वो कार दिस कार नहीं रही, अब वो हमारे एंगल से दैट कार हो गई, ये परिवर्तन। फिर देखिए और शब्दों में किस तरह से चेंज हो रहा है, दीज को चेंज करना पड़ेगा दोज में, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति ने कहा उसके सामने एप्पल्स रखे हुए, उसने कहा कि आई लाइक दीज एप्पल्स या आई एम गोइंग टू ईट दीज एप्पल्स, अब मैं इसी बात को कहूंगा कि रमेश सेड दैट ही वॉज गोइंग टू ईट दीज, नहीं अब वो दो एप्पल्स हो जाएगा, क्योंकि दीज तो मेरे सामने रखी हुई चीज है, उसके सामने रखी हुई चीज का जब कभी भी मुझे हवाला देना होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में दीज का दोज। इन शब्दों को यू विल हैव टू मेक अ केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड देन मार्क दीज वर्ड्स एंड देन चेंज अकॉर्डिंगली। हेयर का परिवर्तन देयर में हो जाएगा, जैसे कोई व्यक्ति कहे कि यू विल हैव टू स्टे हियर, और अब उसने किसी से बात कह दी कि यू विल हैव टू स्टे हियर, अब मैं जब इसी बात को कहूंगा तो मैं कहूंगा ही सेड टू हिम दैट ही विल हैव टू स्टे हियर, नहीं अब देयर, क्योंकि हियर उसके सेंस में यहां है लेकिन मेरे सेंस में यहां नहीं, मेरे सेंस में क्या हो गया, वहां रुकने को कहा, यहां रुकने को नहीं, यहां तो मेरे स्थान के पास की बात हो। तो ये परिवर्तन जो हम लोगों को है, जो हमें थोड़े से ध्यान में रखने होंगे, ये देखिए हेंस का मतलब होता है अब से, और हेंस का परिवर्तन देंस में होगा, देंस का मतलब होता है तब से, हेंस ऑनवर्ड्स, तो हेंस ऑनवर्ड्स नहीं देंस ऑनवर्ड्स, इस प्रकार हेंस
हेंस का मतलब इस प्रकार भी होता है, तो देंस का मतलब उस प्रकार हो जाएगा। तो ये परिवर्तन नाउ का देन में, दिस का दैट में, दीस का दोज में, हियर का देयर में, हेंस का देंस में, ये परिवर्तन हमें ध्यान में रखने वाले होंगे। नाउ When changing the present tense of the recorded speech into past tense, the words change as follows. अब देखिए, अब और इसी बात को पांच नंबर से हम आगे बढ़ा रहे हैं, छह नंबर आ रहा है उसी बात को। दस, दस का हो जाएगा सो, दस इट विल हैपन। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे ये इस प्रकार से होगा, तो आप इसी बात को इनडायरेक्ट स्पीच में कहेंगे सो इट वुड हैपन, दस का सो में। कम गो, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे यू विल हैव टू कम टुडे, तो अब इसी बात को मैं जब इनडायरेक्ट में कहूंगा ही सेड दैट ही वुड हैव टू कम टुडे, नहीं गो दैट डे, दैट डे लगाना पड़ेगा। टुडे का अगेन दैट डे हो जाएगा, क्योंकि बात टुडे की क्या है, दैट डे, टुमारो है तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट डे, उसके एक और बात हो जाएगा तो या तो द कमिंग डे हो जाएगा, या टुमारो की जगह ऑन द मोरो भी लगाया जा सकता है, कई तरह से परिवर्तन किए जा सकते हैं। टुनाइट, टुनाइट मतलब दैट नाइट, आज की रात नहीं, जैसे आज मैं कहूं आई एम गोइंग टू मीट टुनाइट, अब तीन दिन बाद कोई इस बात को व्यक्ति कहेगा तो आई एम गोइंग टू मीट रमेश टुनाइट का मतलब, अब आप जब इसी बात को तीन दिन बाद कहेंगे तो आप मेरा नाम लेकर के कह सकते हैं कि सर जो है वुड बी मीटिंग रमेश, या वुड मीट रमेश दैट नाइट, इस तरह की बात। टुनाइट का परिवर्तन दैट नाइट में। और देख सकते हैं क्या चेंज किया गया है, टुमारो, टुमारो के लिए द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए ये बात, ठीक है ये परिवर्तन हो जाएगा टुमारो का द नेक्स्ट डे में। नंबर 11 पे नेक्स्ट डे का परिवर्तन द फॉलोइंग डे में हो जाएगा, जैसे अगले दिन की बात है तो द फॉलोइंग डे, यानी डे आफ्टर टुमारो को भी द डे आफ्टर द नेक्स्ट डे, इस तरह की बात कही जा सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप देखिए कैसे कैसे परिवर्तन किए जा रहे हैं। लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट मैं जैसे आज मैं बात कहूं तो द लास्ट नाइट कह सकता हूं, लेकिन चार दिन बाद अगर मैं बात कहूं तो फिर उस चार दिन से पहले वाली रात तीसरी रात लास्ट नाइट होगी ना, तब आज से पहली वाली रात को अगर रेफर करना होगा तो वो क्या कहलाएगी, द प्रीवियस नाइट, ठीक। अगो, अगो का परिवर्तन करना पड़ेगा बिफोर में, आई मेट हिम थ्री डेज अगो, नहीं ही मेट हिम थ्री डेज बिफोर, अब बिफोर क्या दैट इवेंट जब रेफर किया जा रहा हूं, तो इस तरह से परिवर्तन करने पड़ेंगे, हम दिखाएंगे आपको। और इनफैक्ट अगर आप वॉल्यूम्स उठाएंगे तो आपको इस प्रकार के एग्जांपल वहां पे आपको मिल जाएंगे, आपको ग्रामर की पुस्तकों में मिल जाएंगे, स्कूल लेवल की किताबों में मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक। आगे द वर्ड्स, अब देखिए नियम क्या, इफ द वर्ड्स दिस हियर नाउ टुडे कम एक्सेट्रा आर यूज फॉर द प्लेस थिंग एंड टाइम एक्सेट्रा which is associated with the speaker when he is speaking, then these words remain unchanged. देखिए इतना बड़ा नियम लिखा हुआ है, इसको अगर आप धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ेंगे तो आप इसको मतलब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले if the words, किन words की बात कह रही है, this की बात, here की बात, now की बात, today की बात, come की बात, और इस प्रकार के शब्दों की बात की जाए, यदि इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, और कैसे इस्तेमाल किया गया, आगे बढ़ते हैं, are used for the place थिंग एंड टाइम विच इज एसोसिएटेड विद द स्पीकर, तो अगर इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है प्लेस को दिखाने के लिए या टाइम को दिखाने के लिए, उस प्लेस या फिर उस टाइम को दिखाने के लिए जो स्पीकर के साथ इस्तेमाल किया गया है, तो आप देख सकते हैं वो इन शब्दों को हमें परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं, वी डोंट चेंज देम, ठीक। आगे देखते हैं, अब यहां पर इस स्टेज पर हम लोग जो है, क्योंकि हमने बहुत जल्दी जल्दी आपको कुछ एक नियम बताए हैं, अब इन नियमों के इंप्लीमेंटेशन के बारे में हम बात करेंगे, और एक बार हम यही सुझाव देंगे कि आप इन नियमों को रिवाइज कर लें, और उसके बाद में फिर साथ साथ प्रैक्टिस एक्सरसाइज लगाएंगे, तो आप देख पाएंगे जो पार्ट टू में हम जा रहे हैं इन नियमों का इंप्लीमेंटेशन एस्पेक्ट होगा। ये लेक्चर डिवाइड किया गया है कई पार्ट्स में, तो ये पार्ट हम इस स्टेज पर हम खत्म करेंगे, ये प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है। आपके टाइम के लिए हम धन्यवाद देंगे आपको, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप इसे गौर से इन नियमों को देख करके तब आगे बढ़ें और खूब प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस विल हेल्प यू इंप्रूव, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट।
विल वेट फॉर यू इन द नेक्स्ट पार्ट, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।